हज़रत गौसुस सकरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक मुरीद हिंदुस्तान में आया, यहाँ तजारत करके वापस जा रहा है। रास्ते में चोरों ने उनको घेर लिया। मैंने कहा या गौसुस सकरैन, ये मेरी जिंदगी भर की पूंजी है जो मैंने इस तजारत पर लगाई हुई है, आज अगर ये तजारती सामान गया तो मेरी सारी जिंदगी तबाह हो गई। अचानक फजा में से लकड़ी का जूता, खड़ामे जिनको कहते हो, एक खड़ामे आके लगी, लेकिन जिस चोर को लगी उसका सर खोपरी हो जा लगी, तड़फा, जिसे मछली तड़पती है तड़फा, जगह पर मर गया। उसने वो खड़ामे पहचान ली और उठा के उसको चूमा, ये समझ गया ये गौसुस सकरैन की। जब वापस आया तो हजरत की बारगाह में वो खड़ाम पेश की, हजरत फरमाते हैं ये दूसरी खड़ाम जो मेरी पड़ी हुई है ये भी ले ले, ये दोनों लेके जा और अल्लाह अल्लाह कर। यानी बैठे हुए बगदाद में हैं और इधर बगदाद की सरहदों के करीब उस चोरों ने चोरी करना चाहिए, डाकुओं ने डाका मारना चाहा, गौस पाक ने लकड़ी का जूता फेंका तो जगह पर मर गया। ये हिंदू लोग हमें ग्यारहवीं दिया करते थे। एक मरतबा मैंने उन हिंदुओं से पूछा, जब तुम हमारे नबी को नहीं मानते हो तो गौस पाक की ग्यारहवीं क्यों देते हो? उनका दरअसल गौस पाक ने हमारी ऐसे वक्त में इमदाद की कि उस वक्त कोई इमदाद पहुंच नहीं सकती थी। كخير الخلق كلهم.